तब से यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था मिल रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि देव के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अभाख्यायां जगतम सर्वधारयतु सा भास्करम। या जो है कह रहे हैं कि ठंडा बहुत ज्यादा पानी, इसको थोड़ा गर्म किया जाए। गर्म ना होगा पानी, गर्म हो जाएगा, कुछ तो उपाय करे पड़ेगा ना, नहीं तो भगवान के पास फोन करे पड़ेगा गर्म करने के लिए। सब सुख संपत्ति रहे लगी, आओ कुछ करते हैं, यही ला करते हैं। भगवान से विनती मांगते हैं कि सब कोई अमर रहे, सब कोई बढ़िया से। पूजा के बारे में कहेंगे कि बोले से मेरा सीढ़ी हो जाना चाहिए, ठीक है ना? कहा घर हुआ? मेरा घर पूरा जादू जी का, पूरा आरजेडी का, पूरा आरजेडी का। पूरा लोग भी बहुत दूर से आए हैं यहाँ आंचल अधिकारी से गोताखोर में, और यहाँ पहरदारी में चार लोग हैं। हाँ जी, हम लोग यहाँ बहुत सदियों से, हमको पुराना यहाँ मंदिर है, हमको बहुत भीड़ लगता है, बहुत हम मैंने बहुत प्रेम भाव से श्रद्धा से यहाँ सब लोग आते हैं। अगर हम आस्था की बात करें गुरु, तो आस्था में से एक जो है भारत का एक प्रमुख त्यौहार है लोक आस्था का महापर्व जो है छठ व्रत होता है, जो कि चार दिवसीय महापर्व होता है। और अभी हम उपस्थित हैं रफीगंज प्रखंड से सुदूर इलाका है या सिंगी बुजुर्ग गांव है, यहां पर देख सकते हैं 52 बीघा का जो है तालाब है, जो कि यहाँ पर जो रफीगंज प्रखंड से यानी औरंगाबाद जिला से सुदूर इलाका होने के कारण इसका प्रगति जो है काफ़ी रुका हुआ है। अगर कहें तो देव जो है मान्यता प्राप्त है, परंतु यह सिंगी बुजुर्ग गाँव है, सिंगी बुजुर्ग गाँव होने के कारण क्षेत्र होने के कारण इस तालाब को जो है सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर कहें तो देव से भी बड़ा यहाँ जो है तालाब यहाँ है सिंगी बुजुर्ग में। तो यहाँ के कमेटी के सदस्य बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने दिनों से यह तमाम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मात्रा में भीड़ रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ रहती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो हैं जितने भी छठ व्रत करने आते हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वे इन सभी कमेटी के सदस्यों को क्या कहेंगे। आखिर तो त्रेता युग से इसका जो है महती चर्चा की जाती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे कमेटी के सदस्य एवं यहाँ के जो मठाधीश होते हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर वह इस तालाब की जो है वैदिक मान्यता क्या है। तो यहाँ पर जो है उपस्थित हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु उपस्थित हैं जो छठ व्रत कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर जो है करते हैं सब सुख संपत्ति रहे लगी, आओ कुछ करते हैं, यही ला करते हैं। भगवान से विनती मांगते हैं कि सब कोई अमर रहे, सब कोई बढ़िया से रहे, छठ करते हैं। आप लोग किस लिए छठ करते हैं आंटी जी? सब सुख संपत्ति रहे लगी, आओ कुछ करते हैं, यही ला करते हैं। भगवान से विनती मांगते हैं कि सब कोई अमर रहे, सब कोई बढ़िया से रहे, जी जी। ये करेंगे और कुछ न करता जाता। यहाँ छठ घाट पर कब से आ रहे हैं? हम तो गया से आए हैं करे यहाँ। यहाँ गया से आ रहे हैं? हाँ। देखिए यहाँ पर जो गया से जो है रफी का सुदूर इलाका होने के कारण गया से यहाँ पर छठ व्रत करने आ रहे हैं। तो आप छठी माँ से क्या मांगे हैं? हाँ तो मांगे हैं बेटा की नौकरी चाकरी मांगे, देश खातिर का मांगे हैं आप? देश खातिर रक्षा का मांगे हैं कि देश रक्षा रहे जी। तो और यहाँ पर बोले कि हमने देश के रक्षा खातिर, देश के तमाम जो सैनिक हैं उनके रक्षा खातिर जो है हमने जो सूर्य भगवान से आशीर्वाद मांगा। और यहाँ पर उपस्थित है काफ़ी सारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं यहाँ पर कमेटी के सदस्य हैं, आप क्या कहेंगे छठ व्रत के बारे में? छठ एक महान पर्व है जी। ये श्रद्धा से लोग मनाते हैं। ये जो तालाब है त्रेता युग से, इसका कोई इतिहास तो हमारे पास नहीं, लेकिन ये लोग बताते हैं ये त्रेता युग से पोखरा ही है। 3 पिंड का पोखरा था, अभी तो फिलहाल 4 पिंड का कर दिया गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये सिंह ऋषि का स्थान है। यहाँ लोग छठ पर्व बाद में इसको सूर्य मंदिर बना दिया गया और लोगों का भीड़ काफ़ी होता है। और यहाँ पर कुंदन जी उपस्थित हैं, उनसे बात, आप यहाँ पर कमेटी के सदस्य हैं जी, आखिर यहाँ पर कब से जो है यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ लगती है? यहाँ बहुत पहले से ही छठ पूजा का प्रारंभ किया जाता है, हर वर्ष बहुत खुशी और हुलास और एकता के साथ मनाया जाता है। इसमें हमारे पूरी गांव, यहां पे जितने हमारे पंचायत हैं प्रखंड लेवल तक के सारे लोगों का यहां पे सहयोग रहता है, और सभी लोग के सहयोग से ही ये हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। अब ऐसे हम लोग बचपन से ही इसमें जुड़े हुए हैं, और यहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है 2 दिन बच्चों के द्वारा, सभी आज़ाद कलम नौजुवक संघ के सभी साथी के द्वारा 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ किया जाता है। जो 2 दिनों का कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, आज छठ पूजा का पारण एवं समापन दिन हो गया, तो यहाँ पे कुछ माताएं बहनें अभी जो बची है अर्घ दे रही है, भगवान से अपना पूजा अर्चना कर रही है। इसी के साथ हम लोग अपने कमेटी का
व्यक्ति नाते होने के कारण हम लोग अपना निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है सरकारी मान्यता भी है, सरकारी प्रावधान भी यहाँ मिलती है। जी, सरकारी प्रावधान के तहत यहाँ पर नाव का व्यवस्था, गोताखोर का व्यवस्था जिला के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर गोताखोर का व्यवस्था किया गया है सरकारी प्रशासन द्वारा, व्यवस्था दिया गया है जिला के द्वारा, जिला के प्रशासन द्वारा किया गया। हाँ, यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था दी जाती है। हाँ, तो जैसा कि कहा कि आप लोग कितने सदस्य हैं कमेटी में? यहाँ पे बहुत सारे सदस्य हैं। यहाँ पे दो कमेटी चलती है, एक सूर्य मंदिर की चलती है और एक हमारी क्लब की चलती है। हाँ, और यहाँ पर जो है उपस्थित है काफी सारे श्रद्धालु उपस्थित हैं। आप क्या कहेंगे इस छठ पूजा के बारे में? आप क्या कहेंगे इस छठ पूजा के बारे में? हम छठ पूजा के बारे में कहेंगे कि बोले से मेरा सीढ़ी हो जाना चाहिए, ठीक है ना? आपका कहाँ घर हुआ? मेरा घर दनई हुआ, अरविंद सिंह नाम है। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ नीचे नीचे लाइट होना चाहिए, लाइट नहीं था। हाँ, अब पूरा एकदम सब पब्लिक मने बढ़िया, ढेरे आदमी जुटता है यहाँ पर। ठीक है, सुदूर इलाका होवे के कारण इकर मान्यता प्राप्त न है, सरकारी प्रावधान भी नहीं, खाली दो छठ घाट बना देवल जा है। एक बाद में जी से आऊ सरकार की यहाँ से मैंने फंड आवे, इसको मरम्मत किया जाए बढ़िया से मने, और अथी होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर सभी सदस्य हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर जो है श्रद्धालु लोग उपस्थित हैं। यहाँ से बाबा, ये हमारा सिंघी बुजुर्ग का पावन धरती, ये आपका हमारा प्राचीनतम सिंघी ऋषि का स्थान हुआ है और यहाँ पर बहुत संत महात्माओं के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का भी प्रमाणित मिलता है कि इसी धरती पर हुआ था और यहाँ का सिंघी ऋषि का स्थान से यह जाना जाता है, जिसके पूर्व नाम यहाँ गांव का प्रचलित जो है सिंघी बुजुर्ग हुआ। और ये हमारे सूर्य अर्घ का प्रथम स्थान यहाँ है, यहाँ कईक वर्षों से लोग सूर्य का उपासना यहाँ किया करते हैं और हमेशा वो यहाँ पर कामना करते हैं, अपना मन्नत को पूरा करते हैं। और यह सूर्य का महान जो छठी पर्व है, यह छठ पर्व को मनाने के लिए हमारे बुजुर्गों का, संतों का यहाँ पर मत मिला है, इसलिए वो बहुत कईक वर्षों से यहाँ छठ व्रत का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के बीच हम भी यहाँ इस मंदिर का पुजारी बने हैं और इस मंदिर में पुजारी रहते हुए हम अर्घ भी दिलवा रहे हैं लोगों को और सब लोगों का उल्लास भी जग रहा है। इस तरह का शुभकामना हमारे इस मांगलिक भगवान के प्रभात अर्घ का बीच में हम आप सबों को यह सूचना दे रहे हैं। आखिर यहाँ पर जो है छठ पूजा कब से मनाई जा रही है इस तालाब पर? ये सन 1966 से ही यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है, यानी काफी दिनों से मनाया, बहुत काफी दिन से। आखिर छठ पूजा का महत्व क्या होता है अपने समाज पर? हमारे हिंदू सनातन धर्म में यह छठ पर्व जो है एक बहुमूल्य अपने शारीरिक दैहिक भौतिक ताप को समन के लिए यह सूर्य का व्रत उपासना किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्तियों को चर्म रोग भी हो, यह हमारे सूर्य की उपासना से ही समन हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी पुरातन काल के सनातन धार्मिक संत महात्माओं के द्वारा जो दिया गया उपदेश है, वह इसी सूर्य उपासना से, सूर्य अर्घ देने से हमारा यह दोष मिट जाते हैं, पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य का कामना होता है। यानी कहा जाता है कि अगर सूर्योपासना के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद में आप जाकर उससे सूर्योपासना के बारे में जान सकते हैं। ऋग्वेद में इसके बारे में क्लियर दिया गया है क्या सर? सूर्योपासना के बारे में ऋग्वेद में भी दिया गया है, आयुर्वेद में भी दिया गया है। सूर्यो अपाख्यायाम जगतम सर्वधारयतु सह भास्करम, यह जो है से सूर्य उपासना भास्कर भगवान की असीम आयुर्वेद का उत्तर चरित्र संहिता में बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है। ये छठ पर्व है, इसमें उपासना का कहा जाता है, उपासना सर्वप्रथम जो उपासना किया गया है, यह उपासना भगवान कृष्ण के प्रपौत्र श्याम के द्वारा कुष्ठ व्याधि का निवारण के लिए यह सूर्य का उपासना प्रथम बार किया गया था इस धरती पे। आखिर उपासना का क्या महत्व होता है? उपासना जो हमारी दैहिक दैविक भौतिक ताप को समन के लिए उपासना, यानी पाप रूपी भोग को त्याज नाम शब्द का ही नाम व्रत है और इस व्रत के नाम से ही हम लोग जो उपवास रह जाते हैं, तीसी का नाम उपवासना है, जो हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनके व्रतों में हम उपवास रह जाते हैं, यही उपासना का मेन केंद्र बनता है। जी, और बाकी सिंघी बुजुर्ग के जो है सूर्य मंदिर एवं तालाब के बारे में इन्होंने जानकारी दिया और यहाँ पर जो है छठ व्रती कर रहे हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर उन वे कब से आ रहे हैं यहाँ पर छठ पर्व कर रहे हैं और
यहाँ पर क्या क्या विशेष सुविधा उन्हें और चाहिए? पर सभी लोग श्रद्धालु उपस्थित हैं यहाँ पर जो छठ व्रती कर रहे हैं। आप छठ किए हुए हैं? हाँ जी, हम लोग यहाँ बहुत सदियों से, हमको पुराना यहाँ मंदिर है, हमको बहुत भीड़ लगता है, बहुत हम मन बहुत प्रेम भाव से श्रद्धा से यहाँ सब लोग आते हैं, सब परवैती लोग छठ करते हैं, अर्घ देते हैं, हम लोग बहुत खुशी खुशी मनाते हैं, बहुत अपना घर से भी खुशी आल है। हाँ, हम सूरज भगवान के जरूर हम गोड़ लगते हैं हर कार्तिक में, चैत में, बहुत श्रद्धा भक्ति है भगवान में, हम लोग को सब सब पूर्ण करते हैं भगवान। आपने कहाँ से आल है? हमको उनका मकान है पोगर, पोगर में। हाँ, पोगर मकान है, रफीगंज थाना है। अच्छा। हाँ, कितने दिनों से आप छठ कर रहे हैं? बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से, जब से यहाँ ढूके हैं अपना ससुराल में, तब से हम सब छठ कर रहे हैं पूजा। आशीर्वाद में क्या मांग रही है? बहुत कुछ मांगे हैं, बहुत कुछ भगवान दिए हैं भी, बहुत कुछ दिए हैं, सब कुछ है, धन धान बेटा पुत्र, ये तो आने जाने वाला भगवान की कृपा है, पति हमको नहीं है, बाकी हमको सब चीज़ बेटी बहू सब भरल है, नाती पोता दामाद सब भरल है हम लोग। हाँ, सब चीज़ से भगवान से पूर्ण कर ले हैं। देश खातिर का मांग ले हैं? देश खातिर मांग ले हैं, देश के सब रक्षा के जितना है वीर योद्धा जवान सब एकदम भगवान सूर्य नारायण उनको रक्षा करें, एकदम आबाद रहे, देश आबाद करें, हमको उहे में कल्याण है, हम देश के माता हैं सबके, जितना देश भक्ति हैं, जितना वीर जवान है सबके हम माँ हैं, हम हृदय से उनको आशीर्वाद देते हैं कि सीमा पर एकदम रक्षा रहे और देश का कल्याण करे, धरती माँ के कल्याण करे। और देश के पॉलिटिशियन ला का मांग ले जी? सब मांगे हैं कि सब जो भी है सब अच्छा करें, बुरा कोई ना करें और देश को बढ़ाएं आगे मुहे। यहाँ पर जो है तमाम छठ व्रती ने कहा कि हम अपने लिए तो मांगते ही हैं और देश के सभी सैनिक के लिए भी मांगते हैं, ता है कि युवा ही देश के भविष्य होते हैं। तो यहाँ पर छठ पूजा के आयोजन में यहाँ पर जो है छठ व्रती के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी युवा में उत्साह दिखता है, एवं युवा में उत्साह इसलिए देखता है क्योंकि हमारे जो है भारत जो है धर्म का प्रतीक है एवं लोक आस्था का प्रतीक है, क्योंकि अगर हमारे युवा नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, क्योंकि युवा से ही देश चलता है। तो यहाँ पर युवा उपस्थित हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ छठ पूजा के बारे में? काफ़ी अच्छा खासा छठ पूजा यहाँ चल रहा है फिलहाल, हम यहाँ 3 साल से आ रहे हैं, जब भी आते हैं जब भी देखते हैं बहुत यहाँ ज़्यादा भीड़ उड़ होता है जी। और आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर जाखिम पड़रिया हुआ। यहाँ पर कोई रहते हैं आसपास में? हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर यहाँ से है, हम लोग 3 साल से यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ से कौन छठ किए हुए हैं? अब नहीं, मेरे यहाँ से तो 3 साल नहीं किए हुए, 2 साल लगातार किए हुए थे, 3 साल नहीं किए हुए हैं, शायद पर साल हो सकता है तो करेंगे। तो आप यानी घूमने आए हैं? हाँ, अभी हम घूमने आए हैं, अभी पूजा वूजा किए हैं, इसके बाद फिर घूम रहे हैं इधर। यानी आपका मसला जो है सो घूमने का है? नहीं, वो बात नहीं है, बात नहीं है, मतलब छठ का पर त्यौहार था तो आ गए घूमने। और का छठ पर्व के बारे में कुछ जानते हैं कि क्यों किया जाता है? जानते तो हैं, काफ़ी हम लोग का महत्व पर्व है छठ पूजा, बिहार के लिए सबसे महत्व पर्व है। बिहार ही नहीं, पूरा इंटरनेशनल पर्व है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है छठ पर्व। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए कुछ खास है, हम लोग बिहारियों के लिए कुछ खास पर्व है, क्योंकि बिहार से शुरुआत किया था। हाँ, हम लोग का बिहार से सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हम लोग का ये। तो यहाँ के युवा में देख रहे हैं जोश दिखा, यहाँ पर जो ट्यूबलेस में जो है कहा जाता है गोताखोर के काम, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि ठंडा बहुत ज़्यादा पानी, इसको थोड़ा गर्म किया जाए। तो गर्म ना होगा पानी? हाँ, गर्म हो जाएगा, कुछ तो उपाय करे पड़ेगा ना, नहीं तो भगवान के पास फोन करे पड़ेगा गर्म करने के लिए। हाँ, वो तो है, ऐसे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा पानी है अंदर। हाँ, तो इसीलिए तो आपको रखा गया गोताखोर के रूप? हाँ हाँ, सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हैं तो जाखिम स्टेशन से आए हुए हैं यहाँ सुरक्षा करने के लिए। आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं यहाँ आंचल अधिकारी से गोताखोर में, और यहाँ पहरदारी में 4 लोग हैं, और रफीगंज प्रशासन। हाँ, और सुरक्षा में हैं हम लोग, कल से रात भर यहीं बिताए, अभी भी सुबह तक हैं, अभी 8। कैसा लग रहा है यहाँ पानी इसमें है? जी जी, काम में हम लोग, यानी आप भी मतलब एकदम उत्सुकता से आए हुए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया से आए। आपका घर कहाँ हुआ वैसे? घर हुआ पचरिया जाखिम स्टेशन, और यहाँ गोताखोर में है, अंदर 40 से यहाँ पर आए हैं हम लोग। हम लोग भी चलेंगे ना? आप क्या कहेंगे? हमारी लोक आस्था का पर्व है ये छठ, और हम लोग यहाँ छठ व्रती के सुरक्षा कर्मी के रूप हैं। यहाँ पर जो है सिंघी बुजुर्ग जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के बगल में तालाब है, यहाँ पर जो है हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु उपस्थित होकर और तमाम जो है छठ व्रत करते हैं, देख सकते हैं आप। और आप क्या कहेंगे इस छठ पूजा के बारे में? इस छठ पूजा के अवसर पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह के ओकेजन हर साल होना चाहिए। जी जी, और क्या कहें, बहुत अच्छा व्यवस्था रहा।
तो यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं यह व्यवस्था जो है सराहनीय है और इस व्यवस्था को आगे भी कायम रखना चाहिए। देख सकते हैं हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है, जो कि कहा जाता है लोक आस्था का महान पर्व जो है इसमें काफ़ी रुचि दिखती है। चल देख सकते हैं छठ पूजा के अवसर पर जो है छठ महापर्व को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। आप क्या कहेंगे छठ पूजा के बारे में? जी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जितना भी यहाँ के कमेटी लोग हैं बहुत ही अच्छा व्यवस्था किए हैं, बस यही कहेंगे कि आप सभी अपने कतार में रहें और नियम को पालन करते रहें, बस उसी नियम को पालन करते हुए छठी माँ का दर्शन करें, ये नहीं कि लंगठाई करें, हमेशा आप अपने कतार में रहें और नियम को पालन करें बस, और माँ का श्रद्धा रखें और जय श्री राम। जय श्री राम। और यहाँ पर जो है तमाम जितना यहाँ की कमेटी द्वारा व्यवस्था किया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? उस बहुत अच्छा व्यवस्था है, बस वहाँ पे आप खाली प्रशासन को टाइट कीजिए, प्रशासन यहाँ पर टाइट नहीं दिख रहा मेरे को, और जैसे देख रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमी उस हिसाब से प्रशासन को थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए, यहाँ पे प्रशासन उतना टाइट नहीं है यहाँ पे बस। आप तो युवा लोग सब सहयोग करेंगे तभी ना प्रशासन भी टाइट, प्रशासन दो चार मिलकर क्या करेगी, आप लोग टाइट रहिएगा तब ना। जी इतना बड़ा बिहार है, प्रशासन दो चार क्यों भेजिए, तो इतना बड़ा कम से कम यहाँ फोर्स भरना चाहिए, जितना भीड़ है उतना कम से कम 100 आदमी पर एक आदमी भेजना चाहिए, या कम से कम तो 1000 आदमी आराम से हो गया, आपके देख ही रहे होंगे इतना भीड़ में। रफीगंज से सुदूर इलाका होने के कारण है, औरंगाबाद जिला से सुदूर इलाका होने के कारण प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी नरम है। हाँ तो इसके लिए आप क्या यही कहेंगे कि यहाँ का जो कर सकते हैं आप क्या कहेंगे? जी हम क्या बोल सकते हैं, जो बोल आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि जितना भी जाए प्रशासन टाइट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रशासन टाइट तो है नहीं, प्रशासन को जितना टाइट करना चाहिए। बिहार में तो ऐसे भी पूरा अवस्था, बिहार पुलिस सब एग्जाम भी वैसे ही हो रहा है, सब भर्ती भी वैसा ही हो जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं नौजवान युवा, आप क्या कहेंगे? मैं दर्शकों और श्रोता लोगों को यही बोलूंगा कि सिंगी घाट की ओर से आप सभी छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता है एवं करता ही रहेगा, अगला साल भी करेगा, पिछला साल भी किया था। कहाँ से हैं? हम गया जिला से हैं, लेकिन यहाँ हर साल आते हैं क्योंकि मेरा गांव आते हैं गया से। हाँ ये दूर है, औरंगाबाद जिला से भी दूर है, तो बोल दो रहे बगल में तो है, दोनों भाई है। जी दोनों भाई है। देखिए कहते हैं कि लोक आस्था के महापर्व पे सभी लोग जो है औरंगाबाद जिला से ही नहीं, औरंगाबाद जिला से बाहर से भी आ रहे हैं लोग। आप क्या कहेंगे छठ व्रत के बारे में? कहने के लिए कुछ रह नहीं दिया भाई कुछ नहीं रहे, कुछ तो बोलिए, कुछ रहने देगा तो ना बोलेंगे, सब तो कह दिया मेरा भाई। क्या आरोप लगा रहे हैं कुछ रहने क्या भैया? ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कुछ रहने नहीं दिए इनके लिए। देखिए आप हर आदमी का अपना अपना सेंस होता है, बोलने का मन रहेगा तो बोलेगा, नहीं तो इसको लग रहा कि नहीं मेरा भाई जितना भी सब बात बोल दिया, इसके आगे आप क्या बोल सकते हैं, जो भी है सब सही सही बात बता दिया, इसके आगे क्या बोल सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग कुमार यादव हुआ। और यानी जादव जी है आप? हाँ पूरा जादव जी का बेल्ट है, पूरा आरजेडी कट्टर है, दम प्योर आरजेडी कट्टर है, आरजेडी कट्टर है पूरा। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोलिएगा तो तेजस्वी के अलावा कोई नहीं चाहिए, क्योंकि वो युवा नेता है। तो सेंट्रल में सब मांग कर रहे थे नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार जी के उनका पहली बात की बिहार में उनका अस्तित्व रहा है, है ना अस्तित्व है नहीं, वो खाली अपना खाली कुर्सी बचाने के चलते खाली इन्हें उन्हें घूमते रहते हैं। अच्छा। बस खाली बैठा रहना चाहिए कुर्सी पे, बस उन्हें खाली कुर्सी नहीं छीनाना चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे नीचे ना। और पीछे हम भी एक हिंदू हैं, लेकिन हम जो राम मंदिर बने उसके खिलाफ बोलते हैं, बताएं कैसे? एक मंदिर बनने से कम 5000 आदमी का रोजगार मिल सकता है, हम लिख के बोल रहे हैं 5000 आदमी से ज़्यादा रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनता है 150 करोड़ लगभग 150 करोड़ बोल रहे हैं हम, और 5000 आदमी से हो जाएगी, आपको लगती है कि हो जाएगी? नहीं हो पाएगा कभी नहीं, समझे? यानी कहा कि इन्होंने सरकार के बारे में भी युवाओं को तो पता रहना चाहिए। करवाना कहूँ चाहूँगा कि देव के बाद जो है छठ पर्व में काफ़ी भीड़ रहते, देख सकते हैं यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर भीड़ है। तो मैं जितने भी जिला प्रशासन है चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो है जितने भी जन समस्या है, जितने भी छठ पर्व छठ व्रतियों को जो जन समस्या होती है, जो समस्या होती है उसे यहाँ पर निदान करने में जो है सहभागिता निभा, क्योंकि कहा जाता है लोक आस्था के महापर्व जो होता है छठ होता है, क्योंकि सूर्य उपासना का महापर्व होता है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे करेंगे आग्रह कि इस समस्या का जो है समाधान किया जाए जल्द से जल्द। कब से यहाँ सुविधा प्रदान किए हैं इस युवा क्लब द्वारा? हमें जब से याद हुई है तब से यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था मिल रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि देव के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा भीड़ लगने वाला सिंघी बुजुर्ग की धरती है, और हम चाहेंगे कि सारे लोग आप भी आए, आप इंजॉय कीजिए, मेला घूज रही है, और यहाँ के बारे में पुरातत्विक चीज़ों को जो पुराने चीज़ हैं उसको दिखाने का प्रयास करें। हमारे साथ
कुंदन बाबू जुड़े हुए हैं, सिंघी के रहने वाले, इनसे कुछ पूछ लीजिए। यहाँ पर जो है देख सकते हैं काफ़ी सुविधा है छठ व्रतियों के लिए, काफ़ी भीड़ हो जा रही है, उसके लिए क्या? देखिए संख्या ज़्यादा बढ़ेगा, एरिया कम है तो जाहिर सी बात है कि सुविधाएँ जो होती है कम पड़ने लगती हैं, तो संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाती है वो सुविधाएँ कम पड़ने लगती है। परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं इसी पंचायत के रहने वाला हूँ, पोकर पंचायत का, और एक्चुअली मैं तिरंगा बायोलॉजी रिसर्च सेंटर जो रफीगंज चलता है उसी का निर्देशक हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कहा कि अगले बार से काफ़ी व्यवस्था और बढ़ चढ़ कर रहेगा, आप क्या कहेंगे? हाँ बोलिए, क्या आप क्या कहेंगे छठ पूजा के बारे में? छठ पूजा तो बहुत अच्छा हुआ जी, इन साल के अपेक्षा भीड़ अच्छी है, फर्स्ट क्लास अच्छा है, हाँ इस तरह और आगे बढ़ते रहे जी। और बाकी तमाम जो है यह छठ तालाब के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस सूर्य मंदिर जो है सिंघी बुजुर्ग में आप क्या सोचते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे लाखों लाखों की संख्या में भीड़ है, भीड़ दिखाने का प्रयास करेंगे, और इस छठ पूजा के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएंगे, और अगर कोई सवाल रह गया हो छठ पूजा संबंधित तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ज़रूर। जय हिंद।